मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करनाल की युवतियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करनाल की युवतियों ने पदक जीतकर करनाल का नाम रोशन किया है, जिसके चलते करनाल के मीरा घाटी क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तीनों होनहार लड़कियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में मिस अंचल मिसेस रोजी व जगजीत ने भाग लेकर पदक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए जागृति ने बताया कि लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं और इस स्पर्धा में उन्होंने हिस्सा लेकर जो आत्मविश्वास प्राप्त किया है उसे आगे आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस अवसर पर मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के परिजन भी मौजूद रहे। हमसे पहले ये शो होना था और हमारी सारी जो एंट्रीज वगैरह सब ऑनलाइन गई थी, हमने ऑनलाइन अपनी बाइक्स वगैरह भेजी थी। उसी के दौरान फिर हमारा लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर हमें लास्ट मंथ ही हमें सूचना मिली थी कि दिसंबर में होगा, तो जिसमें भी सर फिर हमारा वहाँ पर जाकर प्रॉपर ग्रूमिंग हुई, हमारे इंटरव्यूज हुए, हमारे स्पीकिंग राउंड्स वगैरह हुए और फिर हमारे सारी गाउंस थी, हमारी ड्रेसेस थी, उनके साथ हमारी रैंप वॉक हुई। जैसे जैसे जो जो सिलेक्ट होता रहा वो आगे आगे बढ़ता रहा और हमें वहीं पर ही हमें बेस्ट टैलेंट, जैसे कि मुझे मिला है बेस्ट टैलेंट अवार्ड, यूथ आइकन अवार्ड और स्टाइल आइकन अवार्ड मिले हैं और ये जो मेरा मेन अवार्ड था वो है। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें धीरे धीरे और भी ज़्यादा सपने देखने के लिए मजबूर कर देती हैं कि जहाँ पर हमने इतना अचीव कर दिया हम और भी आगे अचीव कर सकते हैं। तो मैम आपको आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट है? आई थिंक फैमिली के बिना मैं यहाँ तक पहुँच भी ना पाती। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, उन्होंने मुझे जब मैंने उनसे बात करी कि मैं इस अवार्ड में जाना चाहती हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे ब्रदर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट। कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी यही उम्र है बेसिकली। उसके बाद हम कई बार फैमिली प्रेशर्स हो जाते, कई बार कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कई बार हमारा खुद का ही मन नहीं करता आगे बढ़ने का। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितनी भी यंग लड़कियाँ हैं या जितनी भी हमारी मदर्स हैं, जितने भी लोग जिनके अंदर भी टैलेंट है, जिनको पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं और जिनके अंदर एस्पिरेशंस भी हैं कि हमें अचीव करना है, जिनके अंदर कुछ गोल्स हैं, आई थिंक उन सबको आगे आना चाहिए बिकॉज ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें ना ही सिर्फ आपको एक आइकन्स वगैरह मिलते हैं, ना ही सिर्फ आपको एक अकम्पलिशमेंट मिलती है, उसी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी और थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी ऑर्गेनाइजर का मिसेस सुरुचि दीवान का और इंटीरियर ग्लिट्स का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम लोग भी अपने टैलेंट्स को वहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर सकें और वहाँ पर जाके बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट से, जो कि निमृत अहलूवालिया थी छोटी सरदारनी से, उनसे भी हमने उनके भी एक्सपीरियंस से और जिस तरह से वो रैंप वॉक हमें करनी सिखा रहे थे सारे वहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स आए हुए थे, आई थिंक हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली और अपना फ्रेंड सर्कल और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने को मिला। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.